प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम आपको बैंगन की फसल में लगने वाले रोगों की जानकारी देंगे। बैंगन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंगन की फसल में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, हम उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बैंगन की फसल में किसान भाइयों दो मुख्य रोग लगते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में जो है दो मुख्य रोग लगते हैं, बैंगन का पत्ती धब्बा रोग। पहला जो है किसान भाइयों, वो बैंगन का पत्ती धब्बा रोग लगता है। पहले हम इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम रोकथाम की बात करेंगे। इसके लक्षण जो हैं किसान भाइयों, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे पत्ती पर आपस में मिल जाते हैं और बड़ा आकार ले लेते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं जब, तो बड़ा आकार में ले लेते हैं और पत्ते सूखकर गिरने लगते हैं। पत्ता धब्बा रोग पत्तों पर ही नहीं, ये फलों को भी प्रभावित करते हैं और फल पीले पड़कर गिर जाते हैं। किसान भाइयों, ये जो हैं फलों पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और फल जो हैं पीले पड़कर समय से पहले जो है गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो था बैंगन का पत्ता धब्बा रोग, जो कि बहुत ही भयंकर रोग है। दूसरा जो है किसान भाइयों, बैंगन का झुलसा रोग। इसमें भी पत्तियों पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और फलों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फल सूख कर गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये दोनों रोग जो हैं बैंगन के बहुत ही घातक रोग हैं। बैंगन की फसल को ये दोनों रोग जो हैं काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, जब जो है ये धब्बे जो हैं जो बड़े हो जाते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं, मिलकर जो है ये पूरी पत्तों पर फैल जाते हैं, फिर जो है फलों पर भी प्रभाव डालते हैं, फल जो है सूख कर समय से पकने से पहले जो है गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो किसान भाई, जो खेत में रोगी पौधे दिखते हैं उन्हें उखाड़कर फेंक देना चाहिए, खेत से बाहर फेंक देना चाहिए या उन्हें जला देना चाहिए। तो रोगी पौधों को खेत में नहीं रहने देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बैंगन की फसल पर इस रोग की हम रोकथाम की बात करें, तो इसकी रोकथाम जो है BSF कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है एडेक्सर, वो जो है हमें 300 ml देना है एक एकड़ के लिए। 300 ml का घोल बनाकर जो हम फसल पर छिड़काव कर देंगे, उससे इसकी रोकथाम हो जाएगी। और अगर पानी की बात करें, तो 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ दवा का जो है घोल बनाकर आप फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल जो होता है फ्लेक्सोप्रोएक्सिड 62.5 ग्राम, एपोएक्सीकोनाजोल 62.5 ग्राम, EC, ये दोनों टेक्निकल जो है इसमें होते हैं। इन दोनों रसायनों का घोल है इस दवा में। तो इस दवा से जो है काफ़ी जो है रोकथाम होती है। इस दवा से जो है हम बैंगन के दोनों रोगों की रोकथाम आराम से कर लेते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बैंगन के इन दोनों रोगों के लिए। तो किसान भाई, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर कोई और अन्य सुझाव हो तो आप कमेंट्स में बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।